नमस्कार, 2020 टॉप हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील अहमद, मेरे साथ हैं सुमित कुमार। केंद्रीय रेल व संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा कल बैरनपुर में होली मिलन समारोह व जन संवाद के माध्यम से स्थानीय जनता के बीच मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार दोबारा बनेगी, बीजेपी देश हित के लिए बहुत ज़रूरी है। मोदी सरकार के मंत्रियों द्वारा न्यूनतम आय योजना पर सवाल खड़े करने पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी जनता में इस योजना को लेकर भ्रम पैदा कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस से बात की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पाखंडी हैं। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी आज इस स्कीम का विरोध कर रही है। पाखंडी नरेंद्र मोदी अमीरों का कर्ज तो माफ़ कर रहे हैं, लेकिन गरीबों को फ़ायदा पहुँचाने वाली इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का नामांकन पूरा हो चुका है। नामांकन के साथ ही दिग्गज नेताओं ने रैलियों और सभाओं के जरिए चुनाव प्रचार तेज कर दिया। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी 27 मार्च को अमेठी, 28 मार्च को रायबरेली और 29 मार्च को अयोध्या जाएंगी। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के मुंबई से चुनाव लड़ने की खबरों के सामने आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस उर्मिला मातोंडकर को मुंबई से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार सकती हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर से पूर्व प्रोफेसर श्वेता शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहां से बीजेपी मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा को पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। नमस्कार। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि वह भुगतान बैंकों की दिक्कतों एवं उनकी समस्याओं को समझने के लिए इस सप्ताह उनके प्रमुखों से मिलेंगे। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ईडी को बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने एक और कथित बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता को कल रात को गिरफ्तार कर लिया। उसे आज दिल्ली की पटियाला कोर्ट में पेश किया गया। रिपोर्ट की माने तो गुप्ता से जांच एजेंसी कई बार पूछ हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि अगर कोर्ट हर विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र में ईवीएम और वीवीपैट के मिलान के मौजूदा सिस्टम को बढ़ाने का आदेश देता है तो आयोग को क्या परेशानी आएगी। इस पर आयोग ने कहा कि मौजूदा सिस्टम पूरी तरह से सटीक है। बराज शीर्ष अदालत ने विपक्षी दलों ने याचिका पर चुनाव आयोग से 28 मार्च तक जवाब मांगा है। एचएएल ने कहा है कि हल्के युद्धक विमान तेजस का उत्पादन अपने लक्ष्यों के अनुसार है। एचएएल ने भारतीय वायुसेना के लिए 16वां लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट का उत्पादन कर लिया है। जमशेदपुर में सराकेला खरसावा के कांडरा के बुरडी गांव में जंगली हाथियों ने एक व्यक्ति को पटक पटक कर मार डाला, जबकि दो अन्य घायल हुए हैं जिनका उपचार हॉस्पिटल में हो रहा है। लोकसभा चुनाव में उतरने की खबरों को खारिज करते हुए बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने कहा, मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, मेरा पूरा सपोर्ट कांग्रेस प्रत्याशी और मेरी बहन प्रिया दत्त को है। मैं आप सभी से ज़्यादा संख्या में देश के लिए मतदान करने की अपील करता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता तो वह दिल्ली के भीतर 10 सिंगापुर बना देंगे। पड़पड़गंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल आगामी लोकसभा चुनाव में लोगों का साथ मांगा, जिससे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जा सके। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में 1.5 माह पहले गायब हुए किशोर के कपड़े, दांत, सिर के बाल और जूते एक खेत में पड़े मिले। हालांकि पुलिस अभी तक इस किशोर का शव बरामद नहीं कर सकी है। परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा समेत उसके नेतृत्व पर टिप्पणी की है। सोमवार को असदुद्दीन ओवैसी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कारोबारी जीएसटी से परेशान है और ये टी शर्ट बेच रहे हैं, वाह क्या चौकीदार है। जेट एयरवेज डूब गई, ये चौकीदार 1500 करोड़ रुपए एसबीआई को दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के नाम पर हज़ारों फैक्ट्रियां बंद हैं, क्या आप उनको लोन नहीं दे सकते। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 3 तलाक का मामला सामने आया। यहां थाना सिंभावली क्षेत्र में युवक द्वारा मैसेंजर पर मैसेज कर पत्नी को 3 तलाक दे डाला। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि तलाक के बाद ससुराल वालों ने इद्दत कराने के लिए महिला को घर में बंधक बना लिया। कानपुर आईआईटी के सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में देर रात किसी सिरफिरे ने हॉस्टल में आतंकियों के छिपे होने की सूचना दी। सूचना मिलते ही संस्थान का सुरक्षा तंत्र और कल्याणपुर पुलिस चकरा गई। हालांकि तलाशी में कुछ ना मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। फतेहपुर में कोतवाली क्षेत्र के नंदापुर गांव निवासी मुकेश कुशवाहा की बेटी कंचन 21 मार्च को घर के बाहर से ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। मुकेश ने गुमशुदगी दर्ज कराई। 4 दिनों तक परिजनों और पुलिस
बच्ची को खोजती रही लेकिन वह नहीं मिली। कल गांव के पास ही एक नाले में बच्ची का शव सफेद कपड़ों में लिपटा मिला। उसका एक हाथ एक पैर कटा था, साथ ही बच्ची की सिंदूर आदि से श्रृंगार किया गया था। बल्कि आशंका पर लोग उग्र हो गए। बदायूं के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बहनोई अनुज प्रताप सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद उनसे रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मीडिया में पत्र जारी करते हुए कहा कि भाजपा के किसी भी नेता से उनका कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। दिल्ली के स्वरूप नगर में लिव इन पार्टनर को नींद की गोली खिलाकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस का कहना है कि महिला ने लिव पार्टनर की गला घोटकर हत्या करने के बाद सब के पांच टुकड़े कर दिए और हाथ पैर व सिर अलग अलग इलाकों में फेंक दिए गए। बिहार के केसरिया में पति से किसी बात को लेकर झगड़ा क्या हुआ, पत्नी आत्महत्या करने के लिए बिजली के हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ गई। संयोग था कि उसका कोई अंग तार की चपेट में नहीं आया। बाद में पुलिस व ग्रामीणों के प्रयास से उसे उतारा गया। चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के एक सर्वेक्षण का ताजा नतीजा यह बता रहा है कि लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। इसके मुताबिक भारतीय मतदाताओं के रोजगार का अच्छा अवसर शीर्ष प्राथमिकता है। सर्वेक्षण के नतीजे सोमवार को जारी किए गए। इसमें बताया गया है कि मतदाताओं की 10 प्राथमिकताओं के आधार पर सरकार के कामकाज का स्कोर औसत से भी कम आया है। एडीआर ने यह सर्वेक्षण अक्टूबर 2018 से दिसंबर 2018 के बीच 534 लोकसभा क्षेत्रों में 273,787 मतदाताओं के बीच किया। सर्वे के मुताबिक मतदाताओं को शीर्ष प्राथमिकता बेहतर रोजगार अवसर को लेकर रही है और इस क्षेत्र में सरकार का प्रदर्शन बद से बदतर माना गया। 5 के स्केल पर कुल 2.15 की रेटिंग से मिली। लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा से कुछ ही दिन पहले सरकार ने दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए अदानी पावर लिमिटेड APL के लिए विद्युत सेक्टर का पहला विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने की राह सुगम बना दी। इसलिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सेज के लिए बिजली संबंधित दिशा निर्देश में संशोधन किया गया। इसके बाद APL झारखंड के गोड्डा जिले में 425 हेक्टेयर से अधिक की भूमि बिजली केंद्रित सेज बनाने जा रही है। मौजूदा स्थल कंपनी के कोयला से चलने वाली तापी बिजली संयंत्र के लिए है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के 5 करोड़ परिवारों को सालाना 72,000 रुपये आय प्रदान करने की घोषणा की है। अर्थशास्त्रियों की माने तो इस योजना के लागू होने से देश के खजाने पर भारी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इसकी सालाना लागत 3.6 लाख करोड़ रुपये आएगी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस न्याय योजना के तहत कांग्रेस देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपये प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से सीधे तौर पर 5 करोड़ परिवार और 25 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। अमेरिकी रक्षा विभाग ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बॉर्डर वॉल के लिए $1 बिलियन की रकम को मंजूरी दे दी है। पेंटागन के एक्टिव चीफ पैट्रिक साहनान ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से राष्ट्रपति के अमेरिका मैक्सिको की सीमा पर बनने वाली दीवार के लिए $1 बिलियन के फंड को मंजूरी दे दी गई है। गौरतलब है कि ट्रंप ने साल 2016 में अमेरिकी चुनाव के दौरान बॉर्डर वॉल का वादा किया था। गांधीनगर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और कानपुर से मुरली मनोहर जोशी के टिकट कटने के बाद बीजेपी ने अब स्टार प्रचारकों की सूची से भी उनका नाम बाहर कर दिया। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं है। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और सांसद वरुण गांधी का नाम भी इसमें शामिल नहीं है। परिवहन निगम के अफसरों की लापरवाही से दैनिक यात्रियों का नया MST बनाना बंद हो गया है। वजह यह है कि 5 मार्च को परिवहन निगम का ICICI बैंक से करार खत्म हो गया है। ICICI बैंक एक अन्य कंपनी के साथ मिलकर यात्रियों को कार्ड जारी करता है। बिहार पुलिस की ATS ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। पटना जंक्शन के पास पकड़े गए दोनों आतंकी बांग्लादेश में प्रतिबंधित से जुड़े हैं। आतंकियों के पास पुलवामा हमले से संबंधित कागज भी बरामद हुए हैं। JNU प्रशासन के खिलाफ 7 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का समर्थन करने वाले विद्यार्थियों ने सोमवार देर शाम कुलपति जगदीश कुमार के आवास पर घेराव किया। वहीं छात्रों पर आरोप लगाया है कि जबरदस्ती कुलपति के आवास का घेराव किया और गेट भी तोड़ दिया। एम्स ट्रामा सेंटर में आगजनी की घटना के बाद संस्थान के डॉक्टर नर्स कर्मचारियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए मरीजों को सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित कर उन्हें बचा लिया। ट्रामा सेंटर में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन की पाइपलाइन को मरम्मत भी कर लिया गया है। इससे ऑक्सीजन आपूर्ति दोबारा बहाल हो गई है। अम्बाला में एक जोरदार धमाका हुआ। पुलिस विभाग ने तुरंत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एयरफोर्स और आर्मी से संपर्क साधा।
वही धमाके के बाद से हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने कहा कि नफरत से भरे भाषण सोशल मीडिया के जरिए जंगल में आग की तरह फैल रहे हैं। गुटारेस ने बताया कि मैं विदेशी लोगों को पसंद नहीं करने की मानसिकता, नस्लवाद और असहिष्णुता के उभार के मौजूदा दौर से बहुत चिंतित हूँ। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सोमवार को एक कार्यक्रम में कहा कि नफरत भरे भाषण मुख्य धारा में आ रहे हैं और सोशल मीडिया तथा रेडियो के जरिए जंगल में आग की तरह फैल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एटा में रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया। एटा में एक सप्ताह पूर्व भैंस चोरी के आरोप में एक निर्दोष युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। युवक को ग्रामीणों ने पेड़ से उल्टा लटकाकर बेल्ट, रस्सी और डंडों से तब तक पीटते रहे जब तक वो मरणासन्न स्थिति में नहीं पहुंच गया। मानसिक रूप से बीमार एक निर्दोष युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि वो घर से भटक कर एटा के नगला अहिर गाँव में देर रात घूमते घूमते पहुँच गया था। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। महाराष्ट्र के पहले और दूसरे चरण के लिए सूची जारी की गई। इस लिस्ट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह समेत 40 प्रचारकों के नाम शामिल हैं। भारतीय बैंकों को 9000 करोड़ रुपये लेकर भागे कारोबारी विजय माल्या ने अब जेट एयरवेज के लिए एक खास ऑफर की पेशकश की है। भारत में आर्थिक भगौड़ा घोषित हुए माल्या ने कहा कि भारतीय बैंक उससे पैसे लेकर जेट एयरवेज को बचाने की कोशिश करें। माल्या ने भारतीय बैंकों पर आरोप लगाया कि वो उनके ऑफर किए पैसे नहीं लौटा रहे हैं। माल्या ने जेट एयरवेज के बारे में कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि प्राइवेट बैंकों ने जेट एयरवेज को बचा लिया, इससे कई नौकरियां भी बच गईं। लेकिन काश ऐसा उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस के साथ भी किया होता। वैज्ञानिकों ने चीन में एक नदी के किनारे हजारों जीवाश्मों का एक चकित करने वाला खजाना खोज निकाला। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ये जीवाश्म लगभग 51.80 करोड़ साल पुराने हो सकते हैं और ये खास तौर से असामान्य हैं क्योंकि ये सॉफ्ट बॉडी ऊतक हैं और अच्छी तरह संरचित हैं। इनमें चमड़ी, आंखों और अंदरूनी अंगों के ऊतक शामिल हैं। किंजियांग बायोटा के रूप में बुलाए जाने वाले ये जीवाश्म हुबोई प्रांत में दानसुई नदी के पास पाए गए हैं। इनके 20,000 से अधिक नमूने लिए गए और अभी तक इनमें से 4,351 के विश्लेषण किए जा चुके हैं जिनमें कीड़े, जेलीफिश, समुद्री एनीमोन और शैवाल शामिल हैं। भारत विश्व में सबसे हल्के सुपरसोनिक लड़ाकू विमान का दर्जा हासिल करने वाले स्वदेशी निर्मित तेजस को मलेशिया को बेचना चाहता है। यह विमान पहली बार मलेशिया में 26 मार्च से शुरू होने जा रही 5 दिवसीय प्रदर्शनी में भाग लेगा। ईरान में भारी बारिश होने के कारण बाढ़ आने से 19 लोगों की मौत हो गई और 90 से अधिक घायल हो गए। देश के 31 में ऐसे 25 प्रांत भीषण बाढ़ की चपेट में है। सोमालिया में अल शबाब आतंकियों द्वारा सरकारी इमारतों पर किए गए हमले में एक उप मंत्री समेत 11 लोगों की मौत हो गई। एक प्रत्यक्षदर्शी और एक सांसद ने यह जानकारी दी है। नासा ने शक्तिशाली उल्का पिंड की सैटेलाइट इमेज जारी की है। यह उल्का विस्फोट 18 दिसंबर को बेरिंग सागर के ऊपर हुआ था जिस पर किसी ने महीनों तक यह ध्यान नहीं दिया। इस उल्का में 173 किलो टन के करीब ऊर्जा का विस्फोट हुआ जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर परमाणु बम विस्फोट के मुकाबले 10 गुना से अधिक है। चंद्रमा पर भारत के दूसरे अभियान चंद्रयान 2 के साथ अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक लेजर उपकरण भी भेजा जाएगा। नासा के अधिकारियों का कहना है कि इस उपकरण की मदद से धरती और चांद के बीच की दूरी का सटीक पता चल सकता है। अभी तक आप देख रहे थे 40 बड़ी खबरें। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द दस्तक 24। नमस्कार।